हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर सा कोलाज आर्ट बनाना सीखेंगे, जो कुछ फाइनली इस प्रकार से दिखेगा। इसके लिए जो आवश्यक मटेरियल चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ कलरफुल पेपर, फेविकॉल, स्केच, रुई और एक कैंची चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर ले लेते हैं। इसमें एक हाउस का ड्राइंग कर लेंगे सिंपल सा। अब इस पार्ट में इसी साइज का येलो कलर का पेपर चिपका देते हैं। एंड इस पार्ट में इस साइज का ब्राउन कलर का पेपर चिपका देते हैं। अब इस ब्राउन कलर के पेपर को पतला पतला इस टाइप से काट लेंगे। लगभग 6-7 पीस काटना है और उसके बाद इस शेप में इसको हम बना लेंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे चिपकाते हैं। इस प्रकार मेरा कुछ पीस कटिंग हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, जगह जगह पे चिपका देते हैं। दो स्टिक और इस प्रकार से काट लेंगे और इसको यहाँ पर से ऐसे चिपका देते हैं और यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं। अब घर का गेट बनाना है तो एक गेट को कटिंग कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे खिड़की के शेप में पेपर को कट करके यहाँ पे चिपका देंगे। अब पेड़ बनाना है यहाँ पे। पेड़ बनाने के लिए पेड़ के शेप में पेपर को कट करेंगे। और इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। अब ग्रीन पेपर लेंगे और इसमें इस टाइप का ड्राइंग कर लेंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। ये मेरा कटिंग हो चुका। अब इसको चिपका लेते हैं। अब नेक्स्ट काम है बादल बनाना। यहाँ पे यहाँ पे हम रुई का सहायता लेंगे और थोड़ा थोड़ा रुई चिपका देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, तो बादल के जैसा दिखेगा। अब नेक्स्ट काम है यहाँ पे हम पेड़ पौधा जैसा बनाएंगे। तो इसके लिए हमको ग्रीन पेपर चाहिए और ग्रीन पेपर को हम पत्ती के शेप में कटिंग करेंगे और यहाँ पे चिपकाते हैं। अब छोटा छोटा फ्लावर को ड्राइंग करके उसको कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार कुछ फ्लावर बना लिए हैं और इसको जगह जगह पे हम चिपका देते हैं। यहाँ पे नीचे से कहीं कहीं पे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे चाह रहे हैं कि कुछ चिड़िया को उड़ते हुए दिखा दें, तो चिड़िया का ड्राइंग कर लेते हैं इस टाइप से और इसको कटिंग करके चिपका देते हैं। इस प्रकार फाइनली ये बनके कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।